पटना के गांधी मैदान में फरवरी के आखिर में होने वाली कन्हैया कुमार की रैली को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने कन्हैया कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं और ये सिर्फ देश तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे में इन्हें किसी प्रकार के कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और इनकी असली जगह जेल में है। कन्हैया जैसे लोग भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसी स्वतंत्रता राष्ट्र के हित में कतई नहीं है। आई चाइना अगर जो विकास किया है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र को कलंकित करने वाले और राष्ट्र की एकता अखंडता पर प्रश्न उठाने वाले को ताकत के साथ दबाने का कार्य किया है। तो चाइना ही नहीं, कई ऐसा देश जर्मनी जापान सब लोगों ने राष्ट्र के हित में किसी को स्वतंत्रता नहीं दिया, लेकिन अब भारत के अंदर इतनी स्वतंत्रता जो राष्ट्र को मजाक बना दे, राष्ट्र की एकता अखंडता को प्रभावित कर दे, टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में हमारे स्टूडेंट के बीच में गलत संदेश दे दे, ये एक कलंक के रूप में कन्हैया कुमार अपनी राजनीतिक लाभ उठाने का खेल कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है उस कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कम्युनिस्ट पार्टी जाति विहीन राजनीति करता था, जो कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम राष्ट्र के अहित की कल्पना नहीं करता था। आज ऐसे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की भाषा बोलने वाले को नेता बनाकर घुमा रहा है, इससे वह पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा, वह पार्टी जिंदा नहीं रह पाएगा। न्यूज़ डेस्क।